इस वक्त की बड़ी खबर नुहू मेवात जिले से प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, जिला नुहू में अब वाहन चालकों द्वारा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर खैर नहीं है, वाहन पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता कार्यालय जिला पुलिस नुहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के आदेश अनुसार अब जिला नुहू व NCR क्षेत्र में वाहन चालकों द्वारा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस संदर्भ में जिला नुहू पुलिस द्वारा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के जिला नुहू व NCR क्षेत्र में पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर के माध्यम से आप सभी मेवात वासियों से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस खबर पर ध्यान दें। जिला नुहू में अब वाहन चालकों द्वारा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर खैर नहीं है, ऐसे वाहनों को सीधा इंपाउंड किया जाएगा और वाहन चालक के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम आपको बता दें कि भारत सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के आदेश अनुसार अब जिला नुहू व NCR क्षेत्र में वाहन चालकों द्वारा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर फिर भी कोई इस प्रकार के वाहन चलाता हुआ पाया गया, उसके वाहन को सीधा हरियाणा सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा इंपाउंड कर दिया जाएगा। आप सभी ध्यान दें और कृपया कर पुराने वाहनों का यूज ना करें, कहीं आप भी पुलिस की पकड़ में ना आ जाएं और ऐसे वाहनों को सीधा इंपाउंड करने का पुलिस को जो अधिकार है हरियाणा सरकार व माननीय केंद्र सरकार व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां किसी भी सूरत में उड़ाई नहीं जाएंगी। पुलिस प्रवक्ता नुहू मेवात द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है और पुलिस इस विषय में विशेष अभियान चलाकर जांच भी कर रही है।